तो कभी भी नहीं करेंगे। मगर क्यों? बस इंडिया पसंद ही नहीं है क्योंकि वो बाय चीट जीते हैं हर वक्त। अच्छा, बाय चीट जीतते हैं जी? कैसी चीट? हमें तो यही लगता है कि कोई रिश्वत वगैरह उनका सिस्टम होगा क्योंकि वैसे कैसे वो जीत जाते हैं। अबे तू पागल है क्या? इंडिया को सपोर्ट नहीं करना बस, जो मर्जी हो जाए। इंडिया से तो हमारी लड़ाई है तो इंडिया को सपोर्ट क्यों करें? हर बार इंडिया से ही हारता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी चल रहा है क्रिकेट का सीजन, जहाँ देखो सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है। तो आप और हम कहाँ पीछे रह सकते हैं? आज आप मिलने वाले ऐसी खातूनों से जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन ज्ञान पूरा देगी जो आपका करेगी मनोरंजन। बिना देर के चलते पाकिस्तान। यूएसए जीते क्यों? क्योंकि हम उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया को तो कभी भी नहीं करेंगे। मगर क्यों? बस इंडिया पसंद ही नहीं है भाई। ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट की बात कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन जो नहीं जो भी है, लेकिन हम अपने उसी को करेंगे। इंडिया को सपोर्ट नहीं करना बस, जो मर्जी हो जाए। इंडिया से तो हमारी लड़ाई है तो इंडिया को सपोर्ट क्यों करें? वाह, इन दोनों को ये नहीं पता है कि अगर इंडिया यूएसए से मैच हार जाता तो पाकिस्तान खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भारत ने मैच जीता है तब इनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार है। हाँ। लेकिन इन दोनों को देखो आप, हम मैं भारत को सपोर्ट ही नहीं करना। जी जी, इंडिया से तो हमारी लड़ाई है तो इंडिया को सपोर्ट क्यों करें? यूएसए से भी तो बहुत सी लड़ाई है, लेकिन फिर भी इंडिया तो नहीं ना। इंडिया को तो हम सपोर्ट नहीं ना कर सकते, तो यूएसए को कर देंगे। यार ये तो क्रिकेट है, इसमें क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? क्योंकि इंडिया एक्चुअली हमारी ऑपोजिट टीम है ना पाकिस्तान की, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑपोजिट टीम तो यूएस में है ना, यूएस के अगेंस्ट भी हमने खेला है, फिर भी हम इंडिया को तो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कह लो। यार ये नफरतों को खेलों में से तो कम कर दो। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं ना, मोहब्बत की, शांति के कबूतर उड़ाना चाहते, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि ये देखो पढ़ी लिखी आवाम नफरत करती है तुमसे। नफरत ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफा समझाओ, दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा इन काफिरों पे हमला कर दो। औकात में रहो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड इंडिया? यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके तो मुकाबला ही नहीं इंडिया से। लेकिन अगर हो रहा है तो मैं ये कहूंगी कि यूएसए जीते, इंडिया तो कभी भी नहीं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। क्यों यार, ये तो मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर लेना। वहाँ पर भी प्लेयर्स हैं, हमारे भी प्लेयर्स हैं, यूएसए के भी प्लेयर्स हैं। जो चीज नहीं पसंद उसको कैसे कह दें? अच्छा, उनकी क्रिकेट टीम में आपको क्या नहीं पसंद? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पसंद। एग्जाम्पल कुछ पता ही नहीं है मुझे, कुछ पता ही नहीं है मुझे, कुछ पता ही नहीं है मुझे, कुछ पता ही नहीं है मुझे। देखते ही नहीं है, देखना भी देखते हैं इसके, इसके भाई देखते हैं। ना तो क्रिकेट के बारे में पता है, ना क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में पता है, बस पसंद नहीं है। इंडिया है तो पसंद नहीं है भाई। मारो मुझे, मारो। दीदी को एक सेकुलर सल्यूट। और लेकिन वैसे ऑनेस्टली बात करूं तो उनकी क्रिकेट टीम काफी अच्छा प्ले कर रही है। कर रही होगी, लेकिन जो चीज नहीं पसंद वो कैसे हम उसको लाइक कर लें? अच्छा, जो चीज नहीं, हालांकि आपको क्रिकेट प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता। हाँ ये भी है, लेकिन स्टिल हेट है। कंट्री से हेट है ना, कंट्री से हेट है, कंट्री से हेट है। आई लव यू मेरी कंट्री। और जितनी नफरत तुम करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा हम हमारे देश से, हमारे मुल्क से, हमारी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। जाइलो, नहीं हम नहीं कर सकते। हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, किसी सूरत भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें इंडिया पसंद ही नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर वो यही बात सोशल मीडिया पर आकर हमारे बारे में बोले, हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे पाकिस्तान को कोई कुछ भी कहे। वही ना, देखिए अपने मुल्क से हर किसी को प्यार होता है। हमारे बारे में कोई बुरा बोलेगा, आपको बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। अभी तो मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही थी, अभी मैं क्रिकेट की बात कर रही थी। तो क्रिकेट में हमें नफरतों को भूल देना चाहिए ना, सामने हमारे प्लेयर्स हैं। चले फिर भी मैं यूएसए को सपोर्ट करूंगी, इंडिया को बिल्कुल नहीं करूंगी। हमको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं है भिखारी हो। कटोरा चापो अपने झंडे के अंदर, चांद तारे की जगह कटोरा चपा लो, सूट करता है तुमको। कंट्री पसंद नहीं है इसको। पॉजिटिव हमें मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम बहुत पीसफुल कौम है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। नफरतें प्रमोट नहीं करती। आप कह रहे हो कि हमें उनसे हेट है, क्यों हेट है? तो वो भी नेबर्स हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो किया वो भी तो आपको सबको ही पता है। मैं तो मैच की बात कर रही हूँ। मैच देखे ना, मैच पर ही रहे ना, मैच तो मैच होता है यार। मैच पे भी तो हराया ही है, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। तो अपने प्लेयर्स
हमारे मेहनत क्यों नहीं करते? एंड में आगे कोई ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जहाँ से वो हार जाते हैं। प्लेयर से मेहनत की हुई थी, क्या मेहनत की हुई थी ये पर्सन की होती है, हर दफा मेहनत करके क्यों हारते हैं ये? अभी पाकिस्तानी आप क्यों अपनी टीम को मैं क्रिटिसाइज करूंगी, मेरा हक बनता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उनके प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, क्यों अच्छा नहीं खेले मेरा हक बनता है मैं क्रिटिसाइज करूंगी उनको। हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्या पता उस आप क्यों कर रहे हो फिर जज? आगे स्वाद, हम अपनी टीम को तो जज नहीं करें ना, बाकी के सबको कर सकते हैं, अपनी टीम को हम कभी जज नहीं करेंगे। क्रिकेट प्लेयर्स को जज नहीं करने, मेहनत की है बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें क्या पता उन क्या कुछ मतलब क्या पाकिस्तान की नहीं, मैं क्रिकेट प्लेयर्स की बात करी, वहाँ पे क्या कंडीशन थी हमें नहीं पता, उनके कोई ना कोई तो बात ऐसी हुई है जहाँ पे वो खेल नहीं सके, वो हार गए हैं। और इन्हें चाहिए कश्मीर, वैसे हार जीत तो गेम का हिस्सा है, कोई भी हारे कोई भी जीते हम किसी को जज नहीं कर सकते, हार गए तो कोई बात नहीं अगले साल सही, गेम की हद तक हार जीत होती रहती है की हद तक नहीं है। तो अगर आज इंडिया जीत गया फिर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात गेम है, आपको दुख नहीं होगा पाकिस्तान पाकिस्तान के हारने का दुख नहीं हुआ तो इंडिया के हारने का दुख होगा नहीं नहीं बात मतलब व्हाट इज क्यों देखना ही नहीं आता तो इसलिए हम देखते ही नहीं है कि वो हार ही जाते हैं। अच्छा देखते नहीं हो कि वो हार जाते, इतनी मेहनत करते हैं हमारे प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बस इसीलिए नहीं ना देखते कि वो मेहनत करते हैं तो हार कर आ जाते हैं, मेहनत करते हार के आ जाते हैं। मैं कहती हूँ क्रिकेट प्लेयर्स को बड़ा अच्छा बजाया जा रहा है, वसीम अकरम भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान मेहनत करे, आपकी बेटी मेहनत करे, आप मेहनत करो या मैं मेहनत करूँ और वो मेहनत दिखे ही ना हमारे कामों में, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं है, हो सकता है। उनकी कंडीशन ऐसी थी ना, अब हमें उनकी सिचुएशन का नहीं पता, क्या पता क्या कंडीशन होगी, खाना नहीं मिला होगा, गर्मी भी है, इतनी गर्मी है क्या पता, उसी गर्मी में सब खेल रहे हैं, वो अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ है पर रेगिस्तान के अंदर मैच नहीं हुआ, वहाँ ठंड है सिर्फ हमारे लिए ठंड है, मैं कह रही वहाँ पे ठंड है उनके लिए, तो उनके लिए तो हम नहीं जज कर सकते, क्या पता वो थक गए, बाकी टीम्स भी वहीं पर ही मौजूद है, हमें यही कहना है कि हमें नहीं पसंद मैच, हमें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक मैच देखना पसंद नहीं है या इंडिया पसंद नहीं है नहीं इंडिया तो मुझे पसंद है, उसके उसके बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जो हमें बहुत हम लाइक करते हैं, उनको उनके सॉन्ग सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पसंद भी करते हैं, और लेकिन अपने लिहाज से अपने मुल्क के लिहाज से हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपना मुल्क के ही पाकिस्तानी जो क्रिकेटर टीम है हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे कि वही जीत सके, सपोर्ट करें अच्छी बात है, लेकिन जहां वो गलती कर रहे हैं उनको वो भी बताए ना, जाहिर बात है वो तो फिर अब क्या कह सकते हैं, हम उनसे गलती हुई हमसे भी हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं ना करी जाओ गलतियाँ हार के आई जाओ, हाँ तो कोई बात नहीं, हार जीत तो हर जगह पे होती है, यूएसए से जीत सकता है लेकिन इंडिया से जब भी खेला है हारा ही है, इसलिए हम यूएसए से भी हारे हैं मेरी जान, सिर्फ एक मतलब कभी कभी तो जीत जाते हैं ना, इंडिया से जब भी खेला तब भी हारा है, यूएसए की नई ना कोई टीम है, यूएसए से पहले जीतने की बात नहीं है, वो पहली दफा खेले है, हो सकता है जीत जाए लग का। अच्छा आज अगर इंडिया जीत गया फिर कोई बात नहीं, जीत जाए हमें क्या लगे इंडिया से, फिर वो इंडिया का लक होगा कि वो इंडिया जीत गया यूएसए से, लक होगा मेहनत नहीं, नहीं मेहनत नहीं, मेहनत क्यों नहीं, क्योंकि वो बाय चीट जीतते हैं हर वक्त, बाय चीट जीतते हैं जी, कैसी चीट, हमें तो यही लगता है कि कोई रिश्वत वगैरह उनका सिस्टम होगा, क्योंकि वैसे कैसे वो जीत जाते हैं, पाकिस्तान क्यों हर बार इंडिया से ही हारता है, अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, इधर आओ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के मैच की, इंडिया के मैच। अच्छा मुझे बताओ आप कह रहे हो कि पैसे देकर वो जीत जाते हैं जबकि वो चौके छक्के बड़े ज़्यादा लगाते हैं, ये क्या मसला है? मे बी फिर वो मेहनत, सेंचुरीज विराट कोहली की सेंचुरीज बड़ी ज़्यादा, सकते हैं वो स्ट्रगल करते हों जीत जाते होंगे, आपको किसी प्लेयर का पता उनके? नहीं मुझे नहीं पता, कोहली विराट कोहली का ही सबको क्यों पता है, एक वो गंदा सा बॉलर भी है जो अजीब तरीके से बॉल कराता है, नाम नहीं मुझे उसका, बुमराह, हाँ जी ऐसे ऐसे करके आता है, फास्ट बॉलर है उसका नाम है दुनिया, सर पाकिस्तान उसी की वजह से ही हारता है, बुमराह की वजह से, अजीब सी वो बॉलिंग ही अजीब करवा, अजीब करवाता है कि वो बॉलिंग ही अजीब करवाता है, पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमारे प्लेयर्स खुद भी तो तैयारी करके जाए ना पूरी, खुद करते भी हों तो अभी पता नहीं क्या इनके हो जाता है, कंफ्यूज ही हो जाते हैं, हार जाते हैं हर बार। अच्छा हाँ, अभी अगर इंडिया को ट्रॉफी मिल गई फिर? फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, वो हो गया रवायत बन चुकी है ना, पाकिस्तान ने हारना ही आना है, इंडिया जीते या व्हाटएवर जो भी,
हमें इसे अब क्या कंसर्न रहा है जब पाकिस्तान नहीं हारना है। तो भैया ये पाकिस्तान की नई जनरेशन थी, इनको क्रिकेट के बारे में घंटा नहीं पता लेकिन राय अपनी पूरी रखनी है। मैं तो कहता हूँ जब तुम्हें कुछ चीज के बारे में पता नहीं हो तो मत बोला करो ना, कुछ भी अनसंट बके जा रही है। वाह भाई वाह। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान की जो आने वाली नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, ये भी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे ही चल रही है। फुल जहालत। खैर ये पाकिस्तानी है, कभी नहीं सुधर सकते। आप लोगों का विचार है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को, इन खातूनों को टीका लगाते हुए जरूर जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।